सो व्हाट्स अप गाइस, इस अभिषेक रंजन और आप देख रहे हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की तरफ से क्लासिक 350 जो सिंगल्स एडिशन आया करता था उसमें अभी जो है BS6 जो है लॉन्च हो गया है। तो BS6 की सारी गाड़ियाँ अभी अवेलेबल हो जाएंगी हमारे पास, जल्दी जल्दी सभी BS6 मॉडल्स के जो है वीडियोज आने लगेंगे। अगर आपको किसी बाइक या कार का वीडियो चाहिए तो नीचे जो है उसको बता दीजिए, उसका मैं रिव्यू जरूर लेके आऊँगा आपके लिए उसी तरीके से। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं BS4 से BS6 में क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर रॉयल इनफील्ड 350 सिंगल्स एडिशन में। तो यहाँ पर मेनली मैंने देखे हैं चेंजेस, कुछ चार चेंजेस मेनली आए हुए हैं। पहला तो रहेगा पॉल्यूशन के खिलाफ में, जो पॉल्यूशन है उसमें थोड़ी सी अच्छे बदलाव किए गए हैं, पॉल्यूशन पहले से कम करेगी गाड़ी, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे क्या किया गया है। दूसरा है स्टैंड को लेकर, स्टैंड पहले जो है क्या हुआ करता था BS4 में काफ़ी सारे नॉर्म्स हुआ करते थे, BS6 में नॉर्म्स चेंज किए गए, तो उस हिसाब से ऐसा है कि पहले जो है स्टैंड लगा रहे ना लगा रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और गाड़ी आराम से स्टार्ट होती थी, चलती थी, आप कहीं भी ले जा सकते थे। उससे क्या होता था, अगर आपका स्टैंड जो है लगा हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अगर टर्न करते हैं स्टैंड की तरफ में तो गाड़ी जो है गिर जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर ऐड कर दिया गया है जिसमें क्या होगा कि अगर आपका स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप कुछ भी करिए, गियर में डालिए, क्लच दबाइए, कुछ भी नहीं, गाड़ी जो है सेल्फ लेगी पर जो है स्टार्ट नहीं होगी, किसी भी तरीके का पिकअप नहीं लेगी, तो आप गाड़ी से जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। तो बात करते हैं यहाँ पर थर्ड चीज़ की जो कि है हेडलैम्प। BS4 में क्या था कि ऑटो हेडलैम्प कर दिए थे सभी बाइक्स में, तो उस हिसाब से क्या आता था थोड़ी बैटरी भी कंजप ज़्यादा होती थी और उसी हिसाब से अभी जो है चेंज कर दिया गया है। अभी आप ऑन करेंगे इग्निशन से तो जो है लाइट नहीं जलेगी। अब बात करते हैं फोर्थ जो नॉर्म यहाँ पर चेंज हुआ है इसमें, तो अभी जो सारी बाइक्स आएंगी रॉयल इनफील्ड में उनमें सभी में FI इंजन आएगा जो कि है फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। कार्बोरेटर को ख़त्म कर दिया गया है, इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। एक तो कार्बोरेटर ख़त्म करने का सबसे मेन फ़ायदा होता है माइलेज, माइलेज में अच्छा आएगा, इंजन थोड़ा सा और रिफाइन हो जाएगा और आप देखेंगे पिकअप में आपको बदलाव, यानी ऐसे मतलब गाड़ी पहले से बेटर हो जाएगी आपका FI इंजन होने से, तो वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आया। बाकी अगर बात करेंगे इसके हार्डवेयर चेंजेस की तो वो आप यहाँ पर गाड़ी देख सकते हैं। अभी जो है मैं आपको फिर से पूरी गाड़ी दिखा दूंगा, तो उसमें ऐसा कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं किया गया है, केवल आपको इस गाड़ी में जो है ऐसे ही चेंजेस, थोड़े बहुत फीचर लोडेड चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। प्राइसिंग में क्या अंतर आया तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, पहले जो प्राइस आया करता था वो था 1,95,000 ऑन रोड इस बाइक का, और अभी जो है 15,000 प्लस हो गया है इन नॉर्म्स के बाद में BS6 में, जो कि अब रहेगा 2,10,000 रुपये ऑन रोड प्राइस, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मली। तो अभी आप देखेंगे पूरी बाइक में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करके दिखा दूंगा, पहले भी आप कई बार ये बाइक मेरे वीडियो में देख चुके हैं लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा और फीचर जो किस तरीके से चेंज हुए हैं उसमें क्या क्या बदलाव आया वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स एडिशन BS6 यहाँ पे, तो उसमें आप ORVM देखेंगे ब्लैक में आ रहे हैं पूरे, और यहाँ पर आप सामने देखेंगे पूरा आपको ये स्पीडोमीटर कुछ ऐसा ही मिल रहा है, चाबी की जगह इग्निशन, ये फ्यूल गॉज वगैरह, सामने का हेडलैम्प अगर आप देखेंगे। तो मेन जो चार चेंजेस हैं सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो थोड़ी सी गाड़ी है उसके बाद में समझा दूंगा। सबसे पहला चेंजेस वही है कि यहाँ पर जो है आप यहाँ से ऑन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से गाड़ी ऑन हो गई है। तो अभी आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मैंने इग्निशन से ऑफ ऑन कर दिया है और यहाँ पर पार्किंग लाइट केवल ऑन है सामने। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है नॉर्मल हेडलैम्प का जो बल्ब होता है वो ऑन हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से, तब जो है आपकी विजिबिलिटी बनेगी। गाड़ी चलते में जो है जलता ही रहेगा लेकिन खड़ी हुई गाड़ी में जैसे ही आप ऑन करते हैं तो केवल पार्किंग लाइट जलेगी, हेडलैम्प नहीं जलेगा। सामने की नंबर प्लेट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उसी के नीचे सस्पेंशन वही हैं सब, रिफ्लेक्टर, ABS की बैजिंग, ये वेरिएंट डुअल डिस्क में आता है और सामने की डिस्क आपको देखने को मिल जाएगी। टायर आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक में पूरा रिम जो है आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसका एग्जॉस्ट या साइलेंसर जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये पूरा जो है आपका, जैसे कि आप जानते होंगे कि सिग्नल्स एडिशन में ये ब्लैक में आता है पूरा मैट ब्लैक में, तो इसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं तो वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो यहाँ पर इसका जो मफलर कवर था इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड एंड रफ कर दिया गया, थोड़ा और रफ एंड टफ बना दिया गया उसको अगर आप देखेंगे ऊपर जो ये जो कवर लगा हुआ है। उसी के बाद में यहाँ पर ये एक डिवाइस टाइप की आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से चेंजेस है। इसमें क्या है, जो जाली वहाँ लगा हुआ करती थी वो यहां भी लगी हुई है, वहां की हटाई नहीं गई है, वहां भी है और यहां भी है, यानी डबल जो है जाली लगा दी गई है, जिससे कि जो इसके अंदर से जो भी धुआं आता है, जो भी पोल्यूशन आता है वो काफी ज्यादा अंदर ही जो है फिल्टर हो जाता है, उसके बाद में बाहर बहुत कम निकलता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि इंजन खराब हो जाएगा, सारा धुआं अंदर ही रह जाएगा, लेकिन यह है कि काफी धुएं को फिल्टर कर दिया जाता है, फिल्टर से एक तरीके से आप बोल सकते हैं तो लगे हुए, जिससे कि जो है पॉल्यूशन बाहर बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कि नॉर्म्स के हिसाब से पॉल्यूशन पहले से कम करना था, तो उस हिसाब से यहां पर आप देखेंगे तो ये डिवाइस लगाई हुई है। इसमें से
आप देखेंगे एक वायर भी कुछ इस तरीके से यहाँ से जाता है इंजन में, सीधे उस तरफ से होते हुए इंजन में, तो वो कुछ उस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। इंजन पूरा आप वही देख रहे होंगे यहाँ पे 350 सीसी का पूरा ब्लैक में आ रहा है। ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ जो है वो मैं पहले वीडियो में जो है चला के दिखा चुका हूँ। अभी पीछे आप देखेंगे तो वही सब चीज़ें हैं, टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर, नीचे रिफ्लेक्टर, ऊपर आप देख रहे हैं पीछे वही कुछ है। तो नॉर्मल ये सीट्स आप देख रहे हैं दोनों, और साइड से आप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आता है। स्टैंड वाला फीचर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि थोड़ा सा चेक करके बता देता हूँ। अभी जो है स्टैंड लगा हुआ है, गाड़ी ऑन है, अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो मैं अभी सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी सेल्फ लेगी बट स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है। तो किसी तरीके से बस ऐसा ही करते रहिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंजन है वो सभी FI में चेंज कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरा FI इंजन है। ये डिवाइस मेरे को थोड़ी सी नई देखने को मिल रही है, पहले नहीं थी ये। यहाँ पे जो पूरा पीछे बॉक्स लगा हुआ है ये थोड़ा सा नया चीज़ है, तो वही है कि FI इंजन है। थोड़ा सा पहले से काफ़ी बदलाव आएंगे और वो सारे बदलाव जो हैं पॉजिटिव ही होंगे। नेगेटिव आप बस इतना कह सकते हैं कि आप अब इसमें से फ्यूल निकाल नहीं सकते हैं, जैसे कि आप अगर चाहें दूसरी बाइक में डालना या कुछ भी, तो वो इसमें नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बस चेंजेस की गई हैं, बाकी इसका टैंक वगैरह तो सेम वही है, डायमेंशंस वगैरह सारे सेम है। गाड़ी चलने में पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, पहले वाली मैंने चला रखी थी और ये भी चलाई है, तो गाड़ी के लिए तो हमेशा से थम्सअप है ही मेरे तरीके से। तो यहाँ पर नॉर्मली मैंने आपको गाड़ी पूरी दिखा दी है, हल्का सा मैंने चला के भी देखा काफ़ी, मैं इसको लगभग अभी तक 15 से 20 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो उसमें मेरे को गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और बाकी चलने में वैसी है, कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिफाइन, मतलब पहले से बेहतर तो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। जो 15,000 जो है भरी है वो आप खुद जज कीजिए सही है या नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। गाड़ी मैंने आपको नॉर्मली दिखा दी, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ऐसे बिल्कुल मत जाइए, नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर सिंगल क्लिक करना है। उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन, उस पर टर्न करके दबा दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, वहीं से आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको करनी है, बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस।